हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। रियल नंबर्स क्लास 10 की किताब से हैं, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो मेरे बताए गए सॉल्यूशन और ये वीडियो अगर आपके समझ में आ जाती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप कनेक्टेड टू मी। एंड नहीं आती है कोई बात समझ में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1, 9m plus 8. यानी क्यूब जो होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, वो या तो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, और हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर द वैल्यू ऑफ r इज लेस देन b बट इट कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन ज़ीरो। और ये जो a है और b है, ये कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं b को 3 सपोज कर लूँगा क्योंकि 9 जो है 3 के मल्टीपल में आता है। फिर आगे देखेंगे कैसे हम इन वैल्यूज़ को, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब करने पे ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं। तो अब चूँकि मैंने यहाँ पे b की वैल्यू 3 मानी है और मैं इसके अंदर अगर इसको पुट कर दूँ b की जगह पर, तो ये हो जाएगा 3q प्लस r। तो यहाँ से मैं पॉसिबल वैल्यूज़ देखूँगा, पॉसिबल वैल्यूज़ किसकी, r की। पॉसिबल वैल्यू ऑफ r वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि ये ज़ीरो भी हो सकता है, 1, 2, 3 नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 की वैल्यू को b की वैल्यू को 3 सपोज किया है, क्योंकि r लेस देन b होता है। तो यही 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं पॉसिबल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं पुट करूँ, मैं मान लेता हूँ a इक्वल टू 3q प्लस r को इक्वेशन 1, तो इसमें अगर मैं r की वैल्यू 0 ले लूँ और देखूँ इसके अंदर पुट करके a इक्वल टू 3q प्लस 0, और 0 को ऐड करने से इस पे कोई चेंज नहीं आएगा तो 3q ही रहेगा ये। अब मुझे क्या करना है, q पता करना है। तो अगर मैं बोथ साइड क्यूबिंग कर देता हूँ तो यहाँ तो a क्यूब हो जाएगा, और मुझे पता है 3 का क्यूब होता है 27 और q का क्यूब होता है q³, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। यहाँ से हम 3 को कॉमन कर सकते हैं, तो अंदर जो है वो 9q³ बचने वाला है। और यहाँ हम इस पूरे की जगह पर जो ब्रैकेट में लिया गया है उसकी जगह में मैं m ले लेता हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा है कि n इज सम इंटीजर, जैसे कि पहले वाले सवाल में कहा था। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है वो 3m के फॉर्म में आ रहा है, और हमें यहाँ बताना पड़ेगा वेयर m इक्वल टू 9q³। इसी तरीके से हम देखेंगे जब मैं r की वैल्यू 1 ले लूँ तो देखूंगा इसके अंदर पुट करने पे क्या होता है। तो a इक्वल टू 3q प्लस r की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब मैं जब क्यूबिंग करूंगा बोथ साइड में, तो अब यहाँ आसानी से तो नहीं होगा, बल्कि हमें जो है यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, a प्लस बी का होल क्यूब। तो मैं बताऊंगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। हमें पता है कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² ये a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है। इसी के ज़रिए से हम इसको ओपन करेंगे। तो करते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a² इंटू b प्लस 3ab². ठीक है, तो जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो 3q का क्यूब हो जाएगा 27 q³। 1 का क्यूब हमें मालूम है 1 ही होता है, एंड यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर है तो 3 3 ज़ा 9, अगेन ये 3 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर होने के बाद, तो 9 3 ज़ा 27, और क्यू पे स्क्वायर है तो q² हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लीकेशन होके ये अगेन वही रहने वाला है, प्लस 3 3 ज़ा 9 होता है और 9 को 1 से 1 का स्क्वायर 1, तो 9 ही रहेगा यहाँ पे, 9q। ठीक है, मैं क्या करूँगा, जितने भी लाइक वेरिएबल्स हैं यानी q को मैं एक तरफ लिख लूँ और कॉमन करने की कोशिश करूँ इन सब में, मैं 3 को कॉमन कर सकता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ बचने वाला है 9q³, यहाँ बचने वाला है 9q² और यहाँ पे बचेगा
थ्री क्यू स्क्वायर, और ये जो प्लस वन है ये अलग रहेगा, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट में है इसको मैंने m मान लिया है, ठीक है। मुझे बताना पड़ेगा वेयर m इक्वल टू 9q³ प्लस, सॉरी असल में हमें तो ये दिखाना था 9m, तो मुझे क्या करना था यहाँ पर, मुझे सिंपल सी बात ये करनी थी कि यहाँ पे 9 कॉमन करना था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं है, 9 कॉमन कर लेते हैं क्योंकि हमें इस फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे 9 कॉमन कर लूँ तो ये हो जाएगा 3q³, और वेयर कि 3q³ को मैं m मान लूँ, और यहाँ बता दूँ कि m को मैंने 3³ कहा है, ठीक है। तो पहली फॉर्म ये आ गई, दूसरी फॉर्म हमें इस फॉर्म में लेके आना था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब में से यानी जो वैल्यूज़ आई हैं नीचे वाली, मुझे सिर्फ इसके अंदर से 9 कॉमन करना पड़ेगा। तो देखिए जब इसमें से 9 कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा 3q³, और यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो 3q² बचेगा, और यहाँ तो 9 कॉमन होगा तो सिर्फ क्यू बचेगा और प्लस वन अपनी जगह पर रहेगा। तो ये पूरा रिड्यूस होके हो जाएगा 9m+1, वे यार मुझे बताना पड़ेगा m इक्वल टू 3q³ प्लस 3q² प्लस क्यू, ठीक है। तो हमने दो फॉर्म तो ले आए हैं 3m, यानी किसी भी पॉजिटिव ऑड किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब करने पे ये फॉर्म आ रही है 9m+1, और मुझे ये भी चाहिए। तो अब मैं फाइनली क्या करूँगा, r की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ और इसको पुट करता हूँ किसमें, इस वैल्यू के अंदर 3q+r में, तो ये हो जाएगा 3q+2, और जब क्यूब करूँगा दोनों साइड तो अगेन मुझे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a³ + b³ प्लस 3 a² b + 3 ab² तो अब मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 27q³, और 2 का क्यूब होता है 8, और यहाँ हो जाएगा 3 3 9 9 9 3 27 2 54q² और यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन को ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, एंड 9 4 36, तो ये हो जाएगा 36q। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जहाँ जहाँ q की वैल्यू है वहाँ से हम 9 को कॉमन करेंगे, तो यहाँ से 9 कॉमन करूँगा तो यहाँ पे 3q³ बचेगा, और यहाँ बचेगा क्योंकि 9 6 54 होता है तो 6q² बचेगा, एंड 9 4 36, तो यहाँ पे सिर्फ 4q बचेगा, प्लस ये जो 8 है इसको मैं अलग लिख सकता हूँ जैसे यहाँ पे किया था, जस्ट मैं वैसे ही कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं ये सारे ब्रैकेट को m से डिनोट करने वाला हूँ, और मैं बताऊँगा वेयर m इक्वल टू 3q + 6q² प्लस 4q, ठीक है। तो हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की जो क्यूब वाली फॉर्म होती है वो या तो 3m हो सकती है, 3m+1 हो सकती है, और 9m+8 हो सकती है। यही हमें शो करना था, थोड़ा सा लेंदी हो गया है, मगर ये आसान सा सवाल है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।